हेलो फ्रेंड्स, सिंगुलर फाइव के फुल ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पाइप्स के बारे में देखा कि कैसे अप्लाई करते हैं मल्टीपल पाइप्स किसी भी डेटा पर, और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम देखेंगे दोस्तों कि किसी स्ट्रिंग पर हम कौन कौन से पाइप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है ब्राउजर पर। इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, लाइक कि स्ट्रिंग पर अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और स्लाइस हम कैसे अप्लाई करते हैं, इन सारों का एग्जाम्पल हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, अपर केस, लोअर केस, टाइटल, स्लाइस, इन सारी चीज़ों का जो यूज होता है हम स्ट्रिंग पर ही करते हैं बेसिकली, राइट। तो जैसे अपर केस हमारा क्या करता है, कोई भी हम डेटा एज ए इनपुट पास करते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं अपर केस, तो ये हमारे उस स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट होता है अपर केस में कर देता है, राइट। उसी तरीके से लोअर केस क्या करता है, उसको लोअर केस में करता है। टाइटल केस क्या करता है कि हमारा जो पहला कैरेक्टर होता है, जो पहला अल्फाबेट होता है, उसको कैपिटल करता है और बाकी रेस्ट जो बच जाता है उस वर्ड का उसको क्या करता है, स्मॉल केस में करता है, उसको हम बोलते हैं टाइटल केस। दोस्तों, अगला होता है स्लाइस। स्लाइस में दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक तो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर केवल स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं तो दोस्तों ये क्या करता है कि ये जो स्लाइस है स्ट्रिंग और एरे पर ही वर्क करता है, राइट। स्लाइस करता है क्या है कि एज ए इनपुट जो भी डेटा इनपुट देते हैं उसको एज इंडेक्स, जो इंडेक्स पास करते हैं वहां से लेकर इंड तक उसको टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कि उसको ब्रेक कर देता है, राइट। पहले भाग को रिमूव कर देगा, जो लास्ट जो बचेगा, जिस इंडेक्स, जो मान लो दोस्तों हम कोई स्ट्रिंग है उसमें हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 5 कर दिया, तो 5 से लेकर लास्ट तक का जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स होंगे उसको रखेगा, बाकी जो पहले होगा उसको रिमूव कर देगा, मीन्स कि उसको खंड कर देता है, बांट देता है। उसी तरीके से स्लाइस में हम अगर स्टार्टिंग इंडेक्स और इंडेक्स इंडेक्स दोनों पैरामीटर पास कर दिया तो हमारा क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर इंड इंडेक्स तक के वर्ड को केवल रखेगा, बाकी सारे वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। इन सारी चीज़ों में ये डिफरेंस होता है, राइट। चलिए दोस्तों, इसका हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं प्रोजेक्ट में कि कैसे इसको यूज करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है ब्राउजर पर। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। हम कुछ स्ट्रिंग्स ले लेते हैं जिस पर हम अप्लाई करेंगे ये सारे पाइप्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ले लिया, हमने दोस्तों नेम नेम इसको हमने स्ट्रिंग कर दिया, और दोस्तों मान लो इसमें हमने असाइन कर दिया, कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं इसमें, जैसे मान लो मैंने अजीत कर दिया और यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन लगाया। दूसरा स्ट्रिंग लिया, मान लो दोस्तों हमने पोजीशन, इसको हमने स्ट्रिंग कर दिया और इसमें दोस्तों मान लो हमने साइन कर दिया ब्लॉगर, और मान लो दोस्तों हमने आर्टिकल कर दिया, आर्टिकल को भी हमने स्ट्रिंग बनाया और इसमें साइन कर दिया दोस्तों हमने पाइप्स इन एंगुलर, राइट, और इसको हमने सेमी कॉलन कर दिया। तो मीन्स कि हमने तीन स्ट्रिंग बनाया और इसको हम इस पर हम पाइप अप्लाई करेंगे कहाँ, एचटीएमएल पेज पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पहले एक H4 ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं स्ट्रिंग पाइप्स, ताकि देखिए हम क्या कर रहे हैं। और फिर हम मान लो दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया H3 और इसमें हम बना लेते हैं पहला इंटरपोलेशन, इसमें दोस्तों मान लो हमने पास कर दिया पोजीशन, राइट, और इस पर हमने पाइप अप्लाई किया, पाइप का साइन दिया और इसमें हमने कर दिया अपर केस, राइट। और आगे हम दोस्तों इसी में हम क्या करते हैं, एक और इंटरपोलेशन लेते हैं, यहाँ पर हम कॉलन ले लेते हैं ताकि अलग अलग दिखे। ये दोस्तों हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि पोजीशन क्या है और उसका नेम क्या है। यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम, राइट,
और अगला फिर एक और H3 लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, मान लो हमने ले लिया, इसमें इंटरपोलेशन ले लिया, और इसमें दोस्तों मान लो हमें बाइंड कराना है, यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया आर्टिकल, इसमें हम आर्टिकल बाइंड करा देते हैं, राइट आर्टिकल, और इसको हमने पाइप अप्लाई किया टाइटल केस, राइट। ये क्या किया हमने कि इस दोनों पर तो हमने पाइप अप्लाई कर दिया। अब स्लाइस का भी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मानो दोस्तों हमने H4 ले लिया, यहाँ पर लिख लिया स्लाइस एग्जांपल, राइट, और यहाँ पर हमने H3 लिया, H3 के दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल पर ही लगा लेते हैं, आर्टिकल पर हम लगा लेते हैं आर्टिकल, और पाइप लगाया हमने स्लाइस, बस एक में हम तो सिंपल स्लाइस लगा के देख लेते हैं, इसमें एक इंडेक्स पास कर देते हैं, और जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, मान लो दोस्तों हमने 5 कर दिया, और एक और हम ले लेते हैं, इसमें दो आर्टिकल दो पास कर देंगे, दो इंडेक्स पास करेंगे, H3 ले लिया मैंने, फिर इंटरपोलेशन, और इसमें हमने क्या किया आर्टिकल, आर्टिकल पाइप का साइन स्लाइस कॉलन 5:8। अब इसको सेव करके हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्राउजर में, राइट। इसको हमने सेव किया, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइप अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे हमने लिया था स्ट्रिंग पाइप्स का एग्जांपल, जिसमें हमने ब्लॉगर जो हम पोजीशन था उसमें हमने अपर केस लगाया था, जो अपर में दिख रहा है, नेम पर हमने टाइटल केस लगाया था, तो टाइटल केस में हो गया, और आर्टिकल में हमने क्या किया था कि टाइटल केस लगाया था, तो इसमें क्या किया पाइप से निंगुलर टाइटल केस में कर दिया। उसके बाद हमने स्लाइस का एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, तो उसमें हमने क्या 5 इंडेक्स लगाया था, टोटल क्या था हमारा पाइप्स इन एंगुलर 5, मीन्स कि 5 जो डिजिट था, 5 इंडेक्स, उसमें 5 डिजिट हटाकर बाकी सारे ने प्रिंट कर दिया, और बाकी दूसरे में हमने क्या लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड में, या हम दूसरे में लगाया था, टोटल क्या है पाइप्स इन एंगुलर, राइट, और एसटीएम में देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 और 8 लगाया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 8 क्या होता है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद इन बचता है, उसके बाद दो एक स्पेस लेता है जो ब्लैंक स्पेस है 1 2, मींस कि 5 से लेकर 8 के बीच का जो भी वो कैरेक्टर है उसको इसने प्रिंट कर दिया, बाकी रिमूव कर दिया, मींस कि उसको खंडित कर दिया, राइट। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस, इन सारी चीज़ों को हमने कैसे यूज किया अपने एंगुलर 5 के अंदर, जो कि आपको ब्राउजर में इफेक्ट दिख रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग पर कौन कौन से हम पाइप अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें बहुत सारे पाइप्स लेकर आएंगे, जैसे कि अगले वीडियो में आप देख पाएंगे डेट पाइप्स कैसे यूज करते हैं, परसेंट पाइप कैसे यूज कर सकते हैं, करेंसी कैसे यूज करते हैं, डेसिमल पाइप कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि अगला पाइप जो होगा बहुत अगला जो वीडियो होगा बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा। अगले वीडियो को आप जरूर देखें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।